हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स जीरो 30 वर्सेस पोको F5 के बीच में BGMI का टेस्ट करेंगे, बैटरी रन टेस्ट, आपको बताएंगे कौन किस में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, साथ ही गाइस कौन ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड कर पाता है। सो गाइस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फिनिक्स जी 10 प्रो में प्ले करेंगे। सबसे पहले आपको सेटिंग में ले चलूँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये स्मूथ प्लस 90 FPS तक सपोर्ट करता है, बट इसको हम एक्सट्रीम पे ही यानी कि 60 FPS पे ही टेस्ट करते हैं। ओके, बाय द वे गाइज, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, अभी 3:26 वैसे टाइम हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज है 81 पे। ओके दोस्त, अब इस फ़ोन की स्पेक्स की बात कर ली जाए, सो गाइज यहाँ पे बहुत ही आपको टॉप नॉच का स्पेक्स देखने को मिलता है, बट अभी जो प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 21,000 है एंड 21,000 में बिल्कुल ही इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, आगे बताता हूँ क्यों। वैसे कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45W का फास्ट चार्जर है। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ में आता है। अब दोस्त, यहाँ पे डुअल स्पीकर का भी एक्सपीरियंस आपको थोड़ा ठीक देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स का डुअल स्पीकर उतना अच्छा होता नहीं है, मतलब लाउड नहीं होता है। बेसिकली DTS का सपोर्ट तो दिए रहते हैं बट लाउड नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा एवरेज है, मतलब एवरेज साइड में आप बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी का 8050, वो गाइस एक्चुअल में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, बट गाइस ये फ़ोन में उतना अच्छा से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, जिसके वजह से गाइस यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है। 90 FPS पे प्ले कीजिए, 60 FPS पे या 40 FPS पे, 1 से 2 गेम प्ले आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा, बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन थोड़ा सा वार्म होता है तो वहाँ पे जीटर फ्रेम ड्रॉप करने लगता है। वही अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अभी तो मतलब मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी मैंने टेस्ट किया था, इसका फुल बैटरी रन टेस्ट भी किया था, वहाँ पे एक्चुअल में कैसा एक्सपीरियंस दिया था वो सारे डिटेल में बताया था। तो क्लियरली यहाँ पे कहूँगा कि गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल ही मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको गेमिंग के लिए बिल्कुल ही मतलब भूल कर भी भाई मत कीजिएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 3:37 हो चुका है एंड गाइस 11 मिनट में ये 3% बैटरी डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी ड्रेन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल से, बट इशू मुझे नहीं लगा। ओवरऑल गेमिंग का जो था वो मैं आपको बता दिया कि ये गेमिंग फ़ोन बिल्कुल ही नहीं है। अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करते हैं पोको F5 में। ओके गाइस, यहाँ पे सेटिंग में ले चलूँ, सो गाइस यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं, ये भी स्मूथ प्लस 90 FPS सपोर्ट करता है, तो इसको हम 90 FPS पे प्ले करते हैं। ओके, क्योंकि भाई GT 10 Pro का हमको ऑलरेडी पता है कि कैसा परफॉर्मेंस देगा। बाकी टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे एंड, साथ ही इस बैटरी परसेंटेज 98 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले। सो गाइस, इस फ़ोन को 90 FPS पे प्ले करने का एक यही वजह है कि इसका जो N22 स्कोर आता है ना, वो भाई मतलब स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 को टच कर जाता है, तो उस हिसाब से इसमें गेमिंग कैसा होता है वो मैं आपको क्लियरली बता दूं। उससे पहले स्पेक्स बता दूं तो हमारे पास ये भी 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो भी 8/256 ही था। ओके, अब यहाँ पे गाइस आपको 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें देखने को नहीं मिलता है, 5000 mAh की बैटरी एंड 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस जो इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वो है स्नैपड्रैगन का 7+Gen 2, जो कि गाइस काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है एंड Mi 10T से मैंने इसका स्पीड टेस्ट वगैरह कंपैरिजन डिटेल में किया है BGMI फ्री फायर का, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 865 से बेसिकली, सो उसमें आपको और डिटेल में मालूम चलेगा। तो क्लियरली कहा जा सकता है ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, नॉर्मल यूज़ में बिल्कुल ही जिटर नहीं करता है एंड गाइस 90 FPS पर भी गेमिंग एकदम मस्त प्रोवाइड कराता है, कोई भी आपको सिंगल टाइम जिटर या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे स्नैपड्रैगन 8 सीरीज से तो वहाँ पे गाइस आपको परफॉर्मेंस में स्मूथनेस ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ पे भाई ये FPS ड्रॉप नहीं करता है, FPS अच्छा प्रोवाइड करता है, बट जो बात आती है स्मूथनेस की ना, तो वो ये फ़ोन नहीं प्रोवाइड कर देता है। लेकिन क्लियरली कहा जा सकता है कि जो ये प्राइस पे मिल रहा है वो प्राइस बिल्कुल ही जस्टिफाई करता है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू नहीं आएगी, लेकिन स्मूथनेस आपको स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जैसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे इन्फिनिक्स जी टी 10 प्रो के मुकाबले बिल्कुल ही बेस्ट फ़ोन है ये एंड ये गई सेल में आपको अराउंड 20-21 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन को मैंने वैसे 21K में ही बाई किया है, तो यहाँ पे सेल में आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी डील मानी जाएगी,
GT10 Pro के बदले GT10 Pro में कैमरा अच्छा मिलता है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ही वाहियात है। नॉर्मल यूज़ में भी उसका सॉफ्टवेयर आपको पता है कि इन्फिनिक्स का कैसा देखने को मिलता है, थोड़ा स्लो स्लो फील होता है। ऐप ड्रावर स्पीड से स्लाइड कीजिएगा तो वो वर्क ही नहीं करता है। तो उसके मुकाबले इसका जो MIUI है वो काफ़ी अच्छा है। अभी तो इसमें HyperOS भी आ चुका है, तो HyperOS का भी आप यूज़ करेंगे, इसमें मस्त मस्त फीचर दिए हैं। बेसिकली MIUI है लेकिन थोड़ा सा कस्टमाइज करके कुछ फीचर्स नए नए ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको और भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, लाइक आईफोन में लॉक स्क्रीन वगैरह देखने को मिलता है, क्लॉक वगैरह का विजिट जैसा कि बोल सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें एडेड हो चुके हैं HyperOS के साथ में। तो उसके हिसाब से गाइस मतलब बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल यूज़ में बिल्कुल ही जिटर या ऐप मतलब दिक्कत नहीं होता है, एकदम फास्ट ओपन होता है। तो प्रोसेसर नो डाउट बहुत ही सही देखने को मिल जाता है, एंड 2021 के अप्रॉक्स में ये फ़ोन ले सकते हैं। वैसे पोको X6 Pro भी आ ही गया है, उसका भी हम टेस्ट लाएंगे जल्दी। बाकी दोस्तों यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट एंड कोई सिंगल जिटर देखने को नहीं मिला। बाकी टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 12 मिनट में ये 3% डिक्रीज किया। तो बैटरी बैकअप तो इसका भाई बहुत ही लाजवाब है, फुल बैटरी 10 टेस्ट जरूर देखिएगा। अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करते हैं इन्फिनिक्स 035G में। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में ले चलूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सपोर्ट करता है स्मूथ एक्सट्रीम, बाकी अदर सेटिंग में ये अल्ट्रा ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है क्योंकि प्रोसेसर ये भी पावरफुल है। ओके सो इसको भी हम एक्सट्रीम पे ही टेस्ट करते हैं। टाइम देख सकते हैं 6:34 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 34 पे ही है। तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है। सो गाइस इस फोन के स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बोलूँगा भाई, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन इन्फिनिक्स वालों ने बनाया है, एंड फ्रंट से भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। वहीं पर गाइस टच इशू की बात किया जाए जो कर्व डिस्प्ले में देखने को मिलता है वो मुझे नहीं देखने को मिला। ओवरऑल अच्छा यहाँ पे ऑप्टिमाइज किए हैं, तो कोई भी साइड एजेस में आपके उंगली भी टच होता है तो दिक्कत नहीं होता है गेमिंग करते टाइम। वैसे गाइस ये हमारे पास 12GB रैम एंड 256GB में अवेलेबल है। यहाँ पे गाइस और स्पेक्स की बात कर लिया जाए तो 144Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड इसमें गाइस आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी। 5000mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है, एंड 68W का चार्जर भी फास्ट देखने को मिलता है। इसमें भी डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, बट इसका डुअल स्पीकर इन्फिनिक्स G10 Pro से काफ़ी बेहतर मुझे लगा, बट सबसे बेस्ट मुझे पोको F5 का डुअल स्पीकर लगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा। बट ये भी गाइस उतना पीछे नहीं, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब दोस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर इसमें दिया गया है वो है डायमेंसिटी का 8020। ये भी गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एंड क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ये पोको F5 जैसा परफॉर्म करता है। इसको भी मैंने फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मतलब परफॉर्मेंस लगातार गेमिंग करने के बावजूद भी कोई भी जीटर देखने को नहीं मिलता है, एंड अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, वैसे इस फोन में हीटिंग इशू नहीं है मेरे ओपिनियन में, और सर्दी के मौसम में उतना पता भी नहीं चलता, तो कोई हीटिंग इशू इसमें देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिल जाता है पोको F5 के, तो यहाँ पे ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि पोको F5 में जो है कैमरा आपको बेटर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे गाइस ये फ़ोन आपकी सारी नीड ऑलमोस्ट पूरी कर देती है, लाइक डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर भी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी है, एंड आपको कलर्स वगैरह जो डिस्प्ले में आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सभी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें क्या इशू है वो है गाइस बैटरी का, इसमें भी 5000mAh की बैटरी है लेकिन भाई ये 5000 जैसा जैसे पोको F5 में बैटरी बैकअप मिलता है वैसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो वीडियो आप बैटरी ड्रेन टेस्ट वाला देख लीजिएगा, वहाँ पे और डिटेल में मालूम चल जाएगी। बाकी दोस्त यहाँ पे टाइम देख सकते हैं ये गाइस 11 मिनट में 3% डिक्रीज किया, तो अभी तो इतने कम देर प्ले किया तो इसमें नहीं अंदाजा लगा, बट फुल्ली बैटरी ड्रेन टेस्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके दोस्तों सबसे पहले पोजिशन पर यहाँ पर BGMI में परफॉर्म किया हुआ है हमारा पोको F5 जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल बैलेंस्ड फोन की बात करूँ तो 030 है जो कि गाइस हर चीज़ आपको पूरी कर देगा, लाइक कैमरा से लेकर डिस्प्ले डिज़ाइन वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह। और लास्ट पोजीशन पे जाएगा हमारा GT10 Pro जो कि भाई बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, 15000 में भी मिले तो भी मत लीजिएगा, परफॉर्मेंस बेकार है। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।